आज पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवबंद कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से नाम बदलकर रह रहे 5 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम रफीकुल इस्लाम, मोहम्मद अहमद उर्फ अहमदुल्ला, मोहम्मद मिनाज, मोहम्मद मनीर उस्मान, मोहम्मद इस्माइल बताया है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त इस्माइल ने बताया कि मैं यहाँ पर लगभग 4-5 वर्ष पहले आया था और यहीं पर टोपी बेचने का कार्य करने लगा। फिर रफीक भी 3-4 वर्ष पहले मेरे जरिए आया, वह सिलाई का कार्य करने लगा। मिनाज लगभग 1.5 वर्ष पहले आया था, वह पैसे का लेन देन करने लगा। जो बांग्लादेशी यहाँ आते हैं वो उनसे संपर्क कर लेता था। अहमद जो कि लगभग 7 माह पहले यहाँ घूमने के इरादे से आया था, फिर यहीं पर रफीक के साथ सिलाई का कार्य करने लगा। मुनीर भी लगभग 8 माह पहले घूमने के इरादे से आया था और छिपकर यहीं पर रहने लगा। और अभी इन लोगों से विस्तृत पूछताछ जारी है। तो थाना देवबंद क्षेत्र में 5 बांग्लादेश के रहने वाले पकड़े गए हैं। जॉइंट ऑफिसर की थाना देवबंद की टीम ने और हमारे इंटेलिजेंस की टीम ने अच्छा काम किया। इसमें ये सूचना काफ़ी दिन से मिल रहा था कि अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, फर्जी आईडी या फिर अपने नाम को बदल के रह रहे हैं, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, बिना प्रॉपर वीज़ा पासपोर्ट के बिना। इसी क्रम में 5 लोग गिरफ्तार किए हैं अलग अलग जगहों से, देवबंद से। इनका नाम है रफीकुल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मिनाज, मनीर उजवान और मोहम्मद इस्माइल। ये 5 लोग पकड़े गए हैं, ये बांग्लादेश के अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं। अब जो पकड़े गए हैं इनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनसे ये पता चला कि ये नाजायज तरीके से इंडिया के अंदर आए और देवबंद में रुक के अलग अलग काम कर रहे हैं और अपने आइडेंटिटी छुपा के काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और भी लोग रहने का संभावना है, उनको भी गिरफ्तार करने की प्रयास जारी है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की। क्या रहता है कि जैसे देवबंद को ही क्यों चुनते हैं? जो ऐसे नहीं, शहर इससे पहले कि तमाम शहरों से बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ देवबंद से नहीं। यहाँ पे जो इनका जो कैमोफ्लेज जल्दी हो जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कौन क्या है, आइडेंटिटी जल्दी छुप जाती है, इसलिए हो सकता है प्रेफर कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ देवबंद में ही, दिल्ली में भी है, कई अन्य जगहों पे है, कई जगह से गिरफ्तार भी हो गए।